शपथ लेते ही चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा एक्शन। क्या है एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है कि भारत तिब्बत के अंदर 30 से भी ज्यादा मौजूद जगहों के नाम बदलने वाला है। यह भारत की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि आज से पहले भारत ने चीन पर इस तरह से कभी भी एक्शन नहीं लिया था और चीन भी इसे देखकर पूरी तरह से शॉक है, क्योंकि पिछली 10 सालों में चीनी सरकार ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदले और भारत को सीधा टारगेट किया, लेकिन भारत की तरफ से चीन को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। नहीं यहाँ पर भारत ने कोई स्टेप उठाया जिससे चीन को काउंटर किया जा सके या उसकी जो नाम बदलने की पॉलिसी है उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन इस बार भारत ने मूड बना लिया है कि जो चीन नाम का सांप है जो भारत को काटता है और बिल में घुस जाता है, लेकिन इस बार इसे बिल में नहीं घुसने देंगे और इसकी पूंछ पकड़कर जमीन में पटकने जा रहे हैं। और यकीन मानिए जो चीन की मीडिया है उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसका रिस्पांस भारत को कैसे दें। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इन नाम बदलने से हमें फायदा क्या होगा, क्या इससे चीन पर वाकई में असर पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि यह कोई नाम बदलने की कार्रवाई नहीं है, ये दावे की भी कार्रवाई है। क्योंकि आप जब किसी का नाम बदलते हो तो आप उस पर दावा भी ठोक सकते हो। और चीन पिछले कई सालों से तिब्बत में मौजूद हर उस जगह के नाम बदलता रहा है। वहाँ पर जो तिब्बत भाषा में शहरों और गांवों के नाम हैं, उन्हें बदलकर चीनी भाषा में किया जा रहा है, जिससे उसका दावा और भी पुख्ता हो जाए। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि चीन ने अपने डॉक्यूमेंट में तिब्बत नाम पूरी तरह से हटा दिया है। और जब चीन नाम बदलता है तो दुनिया के जो तमाम देश है उससे भी अप्रूव कराता है। और यह बात पिछले कई सालों से कही भी जा रही थी कि चीन जिस तरह से तिब्बत में मौजूद जगहों के नाम बदल रहा है उससे लगता है कि आने वाले 2030 तक तिब्बत की पूरी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत ने जो अब स्टेप उठाया है उससे एक उम्मीद जागी है कि तिब्बत फिर से रिवाइव होगा और जो चीन की एकता है उसे तोड़ने में अहम रोल निभाएगा। और जो चीन की वन चाइना पॉलिसी है उस पर तो ये करारा जवाब है। देखने लायक होगा कि चीन इस पर कोई एक्शन लेगा या भारत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा या नहीं।